पूर्व सदस्यों सौ श्री रामकृष्ण यादव जी, तापस पाल जी तथा श्रीमती कृष्णा बोस के दुखद निधन के बारे में सूचित करना है। श्री रामकृष्ण यादव उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से नवी लोकसभा के सदस्य थे। वे कृषि संबंधी समिति के सदस्य थे। श्री रामकृष्ण यादव का निधन 25 जनवरी 2020 को 82 वर्ष की आयु में लखनऊ उत्तर प्रदेश में हुआ। श्री तापस पाल जी पश्चिम बंगाल के कृष्णा नगर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 15वीं तथा 16वीं लोकसभा के सदस्य थे। इससे पूर्व वे 2 बार पश्चिम बंगाल विधानसभा के सदस्य भी रहे। श्री पाल एक सक्रिय सांसद थे, जिन्होंने विभिन्न संसदीय समितियों के सदस्य के रूप में अपनी सेवाएं प्रदान की। श्री तापस पाल एक विख्यात फिल्म अभिनेता थे, जिन्होंने बंगला, हिंदी और उड़िया भाषा में 400 से अधिक फिल्मों में अभिनय किया और उन्हें कई फिल्म पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। तापस पाल का निधन 18 जनवरी 2020 को 61 वर्ष की आयु में हुआ। श्रीमती कृष्णा बोस पश्चिम बंगाल के जादवपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 11वीं, 12वीं और 13वीं लोकसभा की सदस्य रही। श्रीमती कृष्णा बोस ने विदेशी मामलों संबंधी समिति के अध्यक्ष के रूप में तथा विभिन्न संसदीय समितियों के सदस्य के रूप में अपनी सेवाएं प्रदान की। एक जानी मानी शिक्षाविद श्रीमती बोस ने लगभग 4 दशक तक विभिन्न शैक्षणिक संस्थाओं में अध्यापन का कार्य किया, अनेक पुस्तकें भी लिखी। श्रीमती कृष्णा बोस का निधन 22 जनवरी 2020 को 89 वर्ष की आयु में कोलकाता में हुआ। अपने पूर्व साथियों के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए ये सभा शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करती है। अब सभा दिग्वंत आत्माओं के सम्मान में मौन इस समय में हमारे पास एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस रहती थी, आज भी है, ताला सिर्फ ताला नहीं लगा है, और हमारे पास कंपलसरी नोटिफिकेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज एक्ट भी है। आज यह हो रहा है सर कि ये जो डाटा दे रहे हैं, ये डाटा कहां से लाते हैं पता नहीं है। कोई भी एम्प्लॉयड एक्सचेंज में अनएम्प्लॉयड यूथ रजिस्टर नहीं कर रहा है या उसको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन करनी नहीं पड़ रही है। उसको प्राइवेट वाले कोई भी, दो तरीके के लोग हैं आजकल, कॉन्ट्रैक्ट में ले रहे, और दूसरी तरफ आपका ध्यान खास करते अध्यक्ष महोदय आकर्षित करता, आप खुद जानते हो, जेट एयरवेज बंद पड़ी, किंग फिशर बंद पड़ी, ऐसी बहुत सारी कंपनियां बंद पड़ी है, नोकिया बंद पड़ी, तो ये सारे बेरोजगार और निर्माण हुए। इन बेरोजगारों के लिए अपने पास कोई व्यवस्था न कि अपने पास डाटा है सर। इसलिए मेरी आपके माध्यम से मांग है कि एम्प्लॉयड एक्सचेंज को पुनर्जीवित करें। रोजगार मिले तो भी चलेगा, लेकिन वो जानकारी अगर सही डाटा, रियल डाटा अगर मिले तो पता चलेगा। राजनीतिक जो बोला 25 करोड़ का जॉब देने वाले थे, उसका क्या हो गया वो अलग बात है। तो मेरी मांग है, क्या आप एम्प्लॉयड एक्सचेंज को पुनर्जीवित करेंगे और कंपल्सरीली सभी को वहां जाकर अपना रजिस्ट्री करनी होगी। जो रिक्रूट करेंगे हो सके कॉन्ट्रैक्टर भी क्यों ना हो, लेकिन उसको भी कंपल्सरी नोटिफिकेशन एक्ट के तहत वो एम्प्लॉयड एक्सचेंज को जानकारी दे कि हमारे पास इतने इतने रोजगार लेने हैं, तब वो पता चलेगा। जो रिट्रेंचमेंट हुए जितनी कंपनियों में वो नहीं हो रहा, उनके बारे में सरकार क्या कदम उठा रही है। जब रियल डेटा आएगा तभी आप सब बोल सकेंगे कि इतना रोजगार हम दे पाए,
क्या सरकार इस पर कदम उठाएगी? सर, माननीय सदस्य की जानकारी में मैं आपके माध्यम से लाना चाहता हूं कि विभिन्न राज्य सरकारों के द्वारा ही एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में पंजीकरण होता है और उसके अनुसार 2015 में 4.33 करोड़, 2016 में 4.34 करोड़ और 2017 में 4.24 करोड़ लोगों ने अपना पंजीकरण करवाया था। पर इससे और आगे बढ़कर श्रम मंत्रालय ने नेशनल कैरियर सर्विस प्रोजेक्ट शुरू किया है और इसमें एक एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज को मॉडर्नाइज करने की योजना भी हम लोग काम कर रहे हैं। तो इस NCS के तहत देश में लगभग 200 एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस को मॉडल कैरियर सेंटर के रूप में परिवर्तित किया जा रहा है और ये काम शुरू हो गया है और 116 सेंटर बन चुके हैं और इसमें लोगों का पंजीकरण और पंजीकरण के बाद हम क्या मदद कर सकते हैं। पर एक दिक्कत हमको ये आती है कि पंजीकरण हो जाने के बाद फिर अपने आप में कि मुझे नौकरी मिल गई ये कोई सूचना नहीं देता है, इस कारण इसमें गड़बड़ हो जाती है। पर मैं हमारा मानना है कि हम पूरी सक्रियता के साथ काम कर रहे हैं और राज्यों के साथ मिलकर हम इसके बारे में एक सही योजना बनाने का काम। मैं आपसे आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से ये पूछना चाहता हूँ कि देवभूमि उत्तराखंड विश्व प्रसिद्ध धाम गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ है और यहीं पर हेमकुंड साहब है, नानक मत्ता है, पोंटा साहब है और साथ में कलियर शरीफ हैं। पवित्र कैलाश मानसरोवर पैदल यात्रा भी यहीं से जाती है। यहाँ स्वामी विवेकानंद जी ने कई जगहों पर अपनी यात्राएं की हैं। मायावती आश्रम आज उनका प्रमुख कार्यालय है और जिन्होंने एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी किताब पढ़ी होगी उसमें जो महावतार बाबा जी की गुफा का जिक्र आया है वह द्वाराहाट के पास पांडखोली स्थान पर है जहां देश विदेश से काफ़ी मात्रा में पर्यटक आते हैं। सीता माता जहां धरती में समाई थी वहीं सीतांशियों नाम मान्य सदस्य जी मैं प्रश्न पूछ रहा हूं। मान्य सदस्य प्रश्नकाल है जी, मैं प्रश्न पूछ रहा हूं। प्रश्नकाल में भाषण नहीं दिया था, प्रश्न जी मैं इसी पर प्रश्न पूछ रहा हूँ। तो इसमें हम लोग वहाँ पर एक एक ईंट लेके सीता माता का मंदिर बनाने जा रहे हैं। त्रिजुगी नारायण जहाँ शिव पार्वती का विवाह हुआ था आज तक धुना जल रहा है, आज भी विवाह होते हैं। क्या माननीय मंत्री जी, मैं मानीवर आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ, हम चाइना से लगे हुए क्षेत्र में रहते हैं और हमारे वहाँ पलायन बहुत बड़ी मात्रा में हो रहा है, बेरोजगारी की स्थिति बनी हुई है, क्या माननीय मंत्री जी कोई ऐसा सर्किट डेवलप करेंगे कि वहीं के लोगों को रोजगार मिल सके और ये अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र और राष्ट्रीय मानचित्र पर ये जगह आ सकें? माननीय अध्यक्ष महोदय, उत्तर में जो बात कही थी वो माननीय सदस्य ने कही है। जिन स्थानों का नाम उन्होंने उल्लेखित किया है वो स्वाभाविक है कि वो महत्वपूर्ण स्थान है, उत्तराखंड को सरकार भी देवभूमि मानती है। लेकिन जो योजनाएं हमारे पास राज्य सरकार की तरफ से प्रस्तावित होती हैं हम उन्हीं में पैसा देते हैं। मैं एक नई जानकारी जरूर उनको दूंगा कि बद्रीनाथ जी के धाम के विकास में और केदारनाथ जी के धाम के विकास में राज्य सरकार ने भी अपनी एक योजना बनाई है और उसमें भारत सरकार अपना सक्रिय योगदान कर रही है। दूसरा, गंगोत्री और यमुनोत्री तीर्थयात्रा अवसंरचना विकास ये ज़रूर अभी 2019 में प्रस्तावित है, उस पर जैसे ही राज्य सरकार के तरफ से DPR आएगा तो इस पर विचार हो सकता है। जहाँ तक सवाल जिन स्थानों का उन्होंने कहा है तो दो योग महोत्सव और टिहरी महोत्सव लगातार भारत सरकार इन दोनों महोत्सव में अपनी तरफ से सहयोग करती है। इज अवेयर अबाउट द हेरिटेज स्ट्रक्चर ऑफ कोणार्क द ब्लैक पैगोडा एज इट इज नोन थ्रू आउट द वर्ल्ड, constructed in 13th century, needs preservation, conservation and also upgradation because of climatic impact. Some 100 years ago, sand was filled into the part of the structure because the main structure had collapsed. Repeated meetings have been conducted by ASIDG along with different other officers for conservation of that great temple. I want to know from the minister what specific steps are being taken for conservation of the Konark temple, which is actually getting depleted every day because of the sea wind.
माननीय अध्यक्ष जी, मैं मेहताब जी काफ़ी वरिष्ठ सदस्य हैं और जानकार भी हैं, मैं उनका इस प्रश्न के लिए धन्यवाद करता हूँ। मूलतः इस प्रश्न से वो हटकर है, लेकिन चूंकि पिछले महीने ही 26 से लेकर 28 दो दिन के लिए वहाँ पर एक कोणार्क के मंदिर को लेकर एक बाकायदा एक गोष्ठी हुई थी, जिसमें ASI के अधिकारी थे, साइंटिस्ट थे, इतिहासकार थे, राज्य सरकार के जो कोणार्क मंदिर के सदस्यगण थे उनकी भी उपस्थिति थी। मैं भी उस कार्यक्रम में गया था और डायरेक्टर जनरल ASI उस कार्यक्रम में गई थी, उन्हें वहाँ के माननीय मुख्यमंत्री से मुलाकात भी की है। दो बातें थी जिसमें उड़ीसा हाई कोर्ट ने एक निर्देश दिया था कि इस पर चर्चा होनी चाहिए कि वहाँ पर रेत निकाली जाए या ना निकाली जाए। मैं आपके माध्यम से सदन को जानकारी देना चाहता हूँ कि IIT कानपुर ने उस पर सर्वेक्षण किया है, ASI ने भी सर्वेक्षण किया है। विमर्श के बाद में बहुत सारे प्रस्ताव उसमें आए हैं, आम तौर पर जो सहमति बनती दिखती है, पर मैं उस दिन का इंतज़ार करता हूं ताकि मैं सदन में रख पाऊं कि वो रिपोर्ट आएगी। लेकिन पिछली बैठक जब हुई थी तब भी इस बात पर आम सहमति थी कि रेत निकाली जानी चाहिए, रेत निकालने के तरीके पर मतभेद है, और इसलिए IIT कानपुर की जानकारी, ASI प्लस राज्य सरकार के जो एक्सपर्ट्स हैं उनकी सहमति के बाद जो रिपोर्ट आएगी मैं आपके माध्यम से सदन के सामने रखूंगा और उसके बाद जो कार्रवाई होगी सरकार करेगी। शनिवार वाडा ऑफ पूना सर इज इन अ फेयर स्टेट ऑफ कंजर्वेशन। सर फेयर स्टेट ऑफ कंजर्वेशन इज नॉट गुड इनफ एंड द ऑनरेबल मिनिस्टर इज रिप्लाई सेड दैट देयर इज अ लाइट एंड साउंड शो। लाइट एंड साउंड शो डज नॉट मीन कंजर्वेशन। So conservation, what we need help, which is even Mr. Raut talked about in the forts, that a lot of times the state is willing to spend some amount of money, but we do not get permission. Look what we have done in Hampi. Hampi is almost a World Heritage Site which is getting destroyed. So the same thing is happening in Pune and same thing. So can the Archaeological Survey of India step in and help the states more, because files go from the states to the Archaeological Survey of India, but they don't get cleared. So even if you have to build a small toilet, sir, it's a challenge. And light and sound show, sir, with the honorable permission of the ministry, is not conservation. It is only a small addition. It doesn't conserve the monument. If you could kindly throw some light on it. Thank you. जी, ये फर्क उनको भी, माननीय सदस्य को भी पता है, मुझे भी पता है कि लाइट एंड साउंड संरक्षण की परिधि में नहीं आता। लेकिन जो बात उन्होंने कही है कि राज्य सरकार अगर वहाँ पर कोई धन देना चाहती है, कोई भी माननीय सदस्य अगर किसी ASI के स्मारक पर धन खर्च करना चाहे तो उसको अनुमति है। यदि ऐसा कोई विषय है तो आप ध्यान में लाइए, मैं भी पूछकर आपको जवाब दूंगा। लेकिन मैं आपको आश्वस्त करता हूँ, ASI कभी अवरोध नहीं बनेगी। राज्य सरकार पैसा दे या सांसद पैसा दे, हम वहाँ लगाने के लिए तैयार हैं। उत्तर प्रदेश के हमारे बहुत सारे सांसदों ने ASI के मॉन्यूमेंट्स को खर्चा करने की अनुमति मुझसे मांगी है, क्योंकि वहाँ पर उनका बेचारों का, सांसदों का पैसे ही खर्च नहीं हो पाता है। तो बल्कि उनने मुझसे कहा है, तो मैंने कहा कि आप हमको DPR भी दीजिए, हम ASI के अधिकारियों को सहमति देंगे। राइट टू एजुकेशन एक्ट, ह्यूज नंबर ऑफ स्कूल्स हैव कम अप within 1 kilometer radius primary schools, within 3 kilometer radius upper primary schools, and 5 kilometer radius high schools. Sir, although these schools have come up in large numbers everywhere in Orissa and in my constituency, in fact not much has been done as far as infrastructure development is concerned, as far as teachers availability is concerned. So sir, through you I would like to ask honorable minister as to what has been done with regard to infrastructure development and the teachers availability as far as the new schools are concerned, and has there been an impact assessment of the Right to Education Act? Thank you, sir. Srimad, ye jo samagra shiksha ke tahat aur shiksha ke adhikar adhiniyam ke tahat jab se ye shuru kiya hai Srimad, to abhi tak jahan tak avasthapnaon ka vishay hai, प्राथमिक जो स्कूल के भवन, 3,12,000 स्कूलों के भवनों के निर्माण की स्वीकृति दी है। अतिरिक्त कक्षा कक्ष 18,98,000 दिया है। पेयजल की सुविधाओं के लिए 2,46,000 स्कूलों को दिया है सिरमन, जबकि शौचालय के लिए 10,90,000 को दिया है, और जो नए स्कूल हैं वो 3,64,3.64 लाख को दिया है। ये तो स्कूलों का है। माध्यमिक में भी श्रीमान यदि देखेंगे तो नए भवनों को 12,837 नए भवनों को किया है। अतिरिक्त कक्षा कक्ष 55,533 दिया है।
जबकि माध्यमिक में 72,155 शौचालय दिए हैं और पेयजल के लिए 12,263। तो अवस्थापनाओं के लिए लगातार भारत सरकार धनराशि देती है।